लग्जरी के लिए चुकानी पड़ती है बहुत सारी कीमत, और मैं कैरोक के साथ खड़ा हूँ, इसका ड्राइव रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन आपको बता सकता हूँ, जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं जिसमें आप 3 सितारा देखते हैं, BMW या फिर कोई और गाड़ी देखते हैं, और उससे अगर 15 लाख सस्ती कोई गाड़ी आपको चाहिए और सारे फीचर्स यानी कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स आपको सब कुछ मिल जाए, तो कैरोक के साथ दोस्ती कर लीजिएगा। आप डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, और ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसका रिव्यू लेके आया हूँ और आपको बताऊँगा इस गाड़ी में क्या क्या खास मिलता है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dibin। तो दोस्तों बात करते हैं कैरोक के डिज़ाइन की। तो आपको बताऊं, इसमें आपको पूरा LED हेडलैम्प मिलता है, और ये एडाप्टिव हेडलैम्प है, इसे आप फ्रंट एडाप्टिव हेडलैम्प भी बोल सकते हैं, इसके टर्म्स बहुत सारे हो सकते हैं। और फॉग लैंप हाउसिंग यहाँ पर दी गई है, और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो कि लगता है खुल जाएगा देख के, ये वाला ऑटो वाइपर है। जब आपके ये हेडलैम्प गंदे हो जाते हैं ना, तो यहाँ से जैसे फिल्मों में देखा होगा आपने या बहुत सारे धार्मिक सीरियलों में देखा होगा कि अपने आप कोई प्रकट हो जाता है तो ये प्रकट होकर इसको साफ़ कर जाएगा, तो वहाँ आप खुश हो सकते हैं। और ये सब आपको लग्जरी में मिलता है, यानी कि कम पैसे वाली गाड़ी में मिल जाता है, जो ऑन रोड आपको अगर गाज़ियाबाद की बात करें तो लगभग 29 लाख रुपये में पड़ती है। साथ ही और क्या मिलेगा, यहाँ पर सिग्नेचर ग्रिल मिल जाता है, जो कि चारों तरफ अच्छे से क्रोम से घिरा हुआ है। तो इसका जो डिज़ाइन है आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, इतने में ये पूरी अपनी कहानी कह जाती है। तो दोस्तों इसमें जो आपको व्हील मिलेगा ये 17 इंच का है, और आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, यहाँ पर जानकारी दे दूँ, इस गाड़ी को जो कंपनी यहाँ पर बेच रही है इसे बनाती नहीं है, CBU के तहत इंडिया में बेचा जाता है, और महज 2500 यूनिट इंडिया में बेची जाएगी। तो आप लकी होंगे अगर आपको कैरोक पसंद है, ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि सब बिक गई ना तो खरीद नहीं पाएंगे। आपको जो ये अलॉय मिलते हैं, एक इसका कट है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, क्योंकि अलग इसका नाम दिया गया है, प्रोनाउंस करूँगा तो हो सकता है कि शब्दों के साथ हेर फेर हो जाए, क्योंकि वो अंग्रेजी में दिए गए हैं, आपको पता है मैं हिंदी अच्छी बोलता हूँ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कैरोक के साइड प्रोफाइल की। मैं लकी हूँ क्योंकि ये बहुत कम गाड़ी आने वाली है, इसका रिव्यू कर रहा हूँ तो आप खुश हो सकते हैं। तो ये जो आप विंडो देख रहे हैं ना, तो ये पूरा जो घिरा हुआ है क्रोम से घिरा हुआ है, और साथ ही आपको मिल जाता है सिल्वर रूप रेल, जो कि बहुत अच्छे से फपता है, इसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है इसका। और इसकी जो लंबाई है ना 4382 मिलीमीटर की है, हाइट में मुझसे ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, क्योंकि सब बोलूँगा तो बहुत टाइम लगेगा वीडियो बनाने में। साथ ही आपको जो डोर हैंडल मिलते हैं बॉडी कलर मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको क्लैडिंग का बेहतरीन इस्तेमाल मिलेगा, लेकिन ये क्लैडिंग जो शुरू होती है आगे वाले पहिए से आके पीछे रियर पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर सामने सब कुछ अच्छा हो तो रियर पे उसका बैलेंस होना ज़रूरी है, और इसमें कैरोक में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिस्टलाइन LED टेल लैंप मिलते हैं, बहुत खूबसूरती से अपना काम करते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर इसे अच्छे से इसको इंजॉय करना है तो रात में देखिएगा। साथ ही क्या मिलेगा और दिखा देता हूँ आपको, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर स्पॉइलर, और ये बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया गया है, रूप से निकलता हुआ ऐसे आता है और खूबसूरत लगता है, कि एज दे जाता है। रियर वाइपर भी इसमें मिलते हैं, स्कोडा का ये वाला अंदाज आपको अच्छा लगेगा, इस तरीके से प्रीमियम कारों में हमेशा देखने को मिलता है। कैरोक की बैजिंग यहाँ पर दी गई है, और साथ ही आपको बॉडी कलर नहीं मिलते हैं ये बम्पर जो है, लेकिन इसमें क्या क्या मिलता है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, और साथ ही इसमें कैमरा भी दिया गया है, मतलब आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो सहूलियत होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरा कहाँ है, ये रहा कैमरा, और कैमरा दिखा रहा हूँ तो इसे ओपन भी कर देता हूं। दोस्तों जो इसमें बूट मिलता है आपको देख सकते हैं, मैंने पूरा सामान इस पे डंप कर रखा है, लगभग 520 लीटर का है, इसे मैं एक शॉट डाल रहा हूं जिससे आपको देखने में पता चल जाएगी कितना गहरा है, आराम से रख सकते हैं पूरा इसमें सामान। और ये यहाँ पर इसके ठीक नीचे आपको ये मिल जाएगा, और ये स्पेयर व्हील जो मिलता है ये अलॉय नहीं है, ध्यान रखिएगा ये स्टील है, नॉर्मल वाला दिया गया है, और ये 16 इंच का है, यानी कि इसमें जो आपको 17 इंच के व्हील मिलते हैं, लेकिन जो आपको स्पेयर टायर मिलेगा ये 16 इंच का है। तो आपको बता देता हूँ, इसका भी आप जिक्र कर देता हूँ, कि ये टायर उस लिए होते हैं जब आप कहीं मुसीबत में फंस जाए, आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, तो थोड़े टाइम के लिए लगा के इसे चला लीजिए और फिर दोबारा उसे ही डाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं पता हो तो अपनी जानकारी बढ़ा लीजिएगा। तो दोस्तों मैं इसके रियर सीट पर आ गया हूँ, और इसके पहले आगे बात बढ़ाना शुरू करूँ, अगर आप कैरोक खरीद रहे हैं ना तो रियर सीट से दोस्ती कर लीजिएगा, क्योंकि ये उनके लिए है जो पीछे बैठकर चलना पसंद करते हैं, पूरा कंफर्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब एसेसरीज में आप चीज़ें खरीदेंगे तो आपको ये हैंगर मिलेगा, आप कोट लटका सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। सबसे पहले दिखा दूँ जगह कितनी मिल रही है, तो जगह आपको अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो सीट यहाँ रहेगी, और मैं पीछे बैठ रहा हूँ तो सीट के पीछे आप लेग रूम देख सकते हैं कितना मिल रहा है। हेडरूम भी दिखा दूँ, ये देखिए मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है और मुझे काफ़ी जगह मिल जाती है, और इसका जिक्र मैंने इसको वाकराउंड में भी किया था, आपने देखा होगा वीडियो। और इसका जो हेडरेस्ट है ना एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लग्जरी और क्या मिलती है, ये रहा
आप इसे खोल लीजिए, इसमें कुछ और बटन तो नहीं मिलेंगे लेकिन कप होल्डर्स भी दिए गए हैं इस आर्मरेस्ट पे। और अगर तीसरा आदमी यहाँ नहीं बैठ रहा है ना, तो आप दो लोग आराम से यात्रा कर सकते हैं। और एक चीज़ और जिक्र करता चलता हूँ यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो कि ये जो ट्रांसमिशन टनल उठा हुआ है, इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर गाड़ी एक्सीडेंट होती है ना तो आपको सेफ रखता है, उसका इम्पैक्ट आगे वाला पीछे नहीं आता है। जिस गाड़ी में नहीं होता है, समझ लो कि वो गाड़ी उतनी ज़्यादा सेफ नहीं है। एक फ़ायदा हो जाता है, तीसरा बंदा आराम से पैर पसार के बैठ जाएगा, लेकिन सेफ्टी की बात आएगी तो कुछ उसे नहीं मिलता है। इसमें लग्जरी और क्या ऐड हो जाती है, आपको पीछे रियर एसी मिलता है और 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, दोनों दरवाजे पे ढेर सारे सामान रखने की जगह मिल जाएगी, और आप म्यूज़िक का आनंद उठाते हुए, क्योंकि इसमें 9 एयरबैग आते हैं इस गाड़ी में। आप सोच सकते हैं कितने सारे एयरबैग आपको सिर्फ उन गाड़ियों में मिलते हैं जिन्हें आप लग्जरी के रूप में जानते हो या आप प्रीमियम कार कह के पुकारते हो। तो अगर 29 लाख में आपको इतना कुछ मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपको कहीं और मिल सकता है। आपको जितनी भी स्टिचिंग आपको इसके इस पर नज़र आएगी, लेदर पर दी गई है, ये बहुत ही प्रीमियम है। और ये स्टिचेस प्रीमियम की एक छोटी सी आपको कहानी बताती है कि देखो मैं प्रीमियम हूँ। बहुत सारी छोटी कार कंपनियाँ भी छोटी गाड़ियों में भी इसका इस्तेमाल करती हैं। और लग्जरी दिखा देता हूँ, चलते चलते आगे जाऊँ इसके पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप ये खोल दीजिए, वन टच है, पीछे तक ये खुल जाएगा, ये चीज़ तो पीछे तक खुल जाएगी और सनरूफ आपका ओपन हो रहा है। यानी कि बहुत सारे लोग गाड़ी किस लिए खरीदते हैं, सनरूफ हो गाड़ी में, तो इस गाड़ी में आपको सनरूफ मिलता है। और इतना बड़ा सनरूफ मिलता है कि अगर आपने वर्कआउट कर रखा है ना और दो लोग खड़े हो रहे हैं, मतलब अब मैं रोमांस की तरफ बढ़ रहा हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में रोमांस व रोमांच दोनों के लिए जगह है, तो आप सनरूफ से निकल जाइए, ड्राइवर चलाता रहेगा और पूरे आसमान का आनंद उठाते हो, क्योंकि जहाँ पे भी शूट कर रहा हूँ ये मौसम सनरूफ वाला ही है। तो दोस्तों इतना कुछ था इसके पीछे से। तो दोस्तों मैं इसके फ्रंट सीट पर आ गया हूँ और आपको बता सकता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसके पहले मैं ड्राइव शुरू करूँ, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको एक बड़ा सा ये TFT स्क्रीन मिलता है जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं। 10 तरह की एम्बिएंट लाइटिंग इस पे दी गई है, जो कि आप अपने हिसाब से अपने मूड के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। इसका जो आपको टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, ये बहुत ही एडवांस है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा और टच बहुत ही स्मूद है। आप जब इसे चलाएंगे तो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ लेकिन उसका एहसास सिर्फ आपको बोल के दे सकता हूँ, उसे छूने के लिए आपको जाना पड़ेगा शोरूम। अगर जाना चाहते हैं तो एक काम करिएगा, अगर आप नोएडा या गाज़ियाबाद में आसपास रहते हैं तो ब्राइट स्कोडा है, नोएडा सेक्टर 6 में स्थित है, वहाँ ज़रूर जाइएगा। और ये स्कोडा इंडिया का पहला एक्सपीरियंस सेंटर है, वहाँ पर आपको गाड़ियाँ छूने को भी मिलेंगी और एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। और क्या मिलता है, ये देखिए आर्मरेस्ट इसका एडजस्टेबल है, यहाँ से आप करेंगे और आपको थोड़ा आगे चाहिए तो खिसका लीजिए। बाकी क्या काम करेगा, यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं और इसके नीचे आप पानी की बोतल वगैरह रख सकते हैं। छोटा मोटा अगर सामान आपको रखना है तो यहाँ पर वो समा जाएगा। यूटिलिटी स्पेसेस की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, यहाँ पर भी सामान रख सकते हैं, दरवाजे पर आप बोतल टिका सकते हैं। और साथ ही इसमें आपको एक कूल ग्लोव बॉक्स मिलता है, जहाँ पे आप जो है आप इसमें SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं नेविगेशन के लिए, जो कि यहाँ पर सीधे दिखने लगेगा। और इतना बड़ा सनरूफ देख रहे हैं, क्योंकि मैं खोल के बैठा हूँ इसे, तो आप देख सकते हो सनरूफ बहुत ही बड़ा है। तो मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ, एक बटन वन टच, मतलब इलेक्ट्रिकली ओपन है, एक वन टच से खुल जाता है, एक बार छोड़ दीजिए दबा के पूरा पीछे के पीछे चला जाएगा। और अब आप देख सकते हैं मैं किस अंदाज में आपको नज़र आ रहा हूँ, और अगर ये अंदाज आप लेना चाहते हैं तो आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। साथ ही एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये भी मिल जाएगा, इसमें भी आप सामान रख सकते हो, सामान टिका सकते हो। तो और जो इसमें अच्छा लगेगा, जो प्रीमियम अंदाज देता है, उसके लिए बता दूँ ये वाली जो सीट है जिस पर मैं बैठा हूँ, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। आप मसाज भी ले सकते हैं अगर आपको शौक है, थक गए हैं, और अपने हिसाब से इसे सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये वाला आपको इस सीट पर नहीं मिलेगा, लेकिन ड्राइवर सीट पर ज़रूर मिलेगा। अगर आप ड्राइविंग पसंद करते हैं, ड्राइविंग को इंजॉय करते हैं, तो ये सीट आपको बहुत ही खुश रखेगी। कंफर्ट की बात करें तो ये आपको थाई सपोर्ट यहाँ पर ज़बरदस्त मिलता है। हालांकि इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी प्रीमियम कारों में एडजस्ट करने की सुविधा होती है, इसमें आप एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बढ़िया थाई सपोर्ट यहाँ पर छोड़ जाता है। 7-speed DSG इसमें मिलता है और ये मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। शुरू से ही जब मैंने ड्राइव किया है DSG को, तो मुझे अच्छा लगा है। और ये पता ही नहीं चलता है, जब गाड़ी ऊपर जा रही होती है तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि गाड़ी कब अपने हिसाब से इसको अप ले जा रही है या डाउन ला रही है। और इसे बोलते हैं सीमलेस परफॉर्मेंस, तो इस गियर बॉक्स का ये नेचर है और ये अपने नेचर पर पूरी तरह से खरा उतरता है। कई जगह पर आपको क्रोम का बेहतरीन इस्तेमाल मिलेगा, जिसे मैं तड़का बोलता हूँ कि तड़का लगा दिया है। तो आप छोटी छोटी जगहों पर देखोगे तो उसका भी ध्यान रखा गया है। तो
तो दोस्तों आइए चला के देखते हैं कैरोक का। कैरोक का अगर जिक्र किया है और इसको ड्राइव करने जा रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट बांधना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी पावर ही ऐसी है कि आपको सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो आत्मविश्वास ही चला जाएगा। इसीलिए सीट बेल्ट के बहुत ही सारे मायने हैं और ज़रूरी है आपका सीट बेल्ट पहनना। तो आपको बता दूँ, इसमें 1.5 लीटर का इंजन लगा हुआ है और ये पेट्रोल इंजन है और ये देता है 150 पीएस की शक्ति व 250 एनएम का ढेर सारा टॉर्क। अब इस नंबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गाड़ी से अगर आप शुरू करेंगे चलाना तो ये ऐसे लगता है कि जैसे बस उड़ने के लिए तैयार है। एक अलग सा साउंड आपके कानों में आता है और ये बता देती है कि मैं परफॉर्मेंस के लिए बनी हूँ। लेकिन जब आप शहर में चला रहे हैं अपने, तो ध्यान रखिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो उस रेस्ट्रिक्शंस में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर इसे एंजॉय करना चाहते हैं तो आप रेस ट्रैक पर चले जाइएगा, लेकिन रेस ट्रैक पर नहीं जाना चाहते हैं तो खुले रास्ते को ढूंढ लीजिएगा जहाँ पर सेफ्टी के साथ आप ड्राइव करें। और इनिशियल पिकअप पे ही ये 60 की स्पीड पर पहुंच गए आराम से, बहुत ही सीमलेसली इसका काम करता है। और इसमें जो एक टेक्नोलॉजी दी गई है उसे बोलते हैं एक्टिव सिलेंडर, यानी कि जब ज़रूरत पड़ेगी, सपोज करिए आप 40 या 50 या 60 की स्पीड पे चल रहे हैं और इस गाड़ी को लगता है कि भैया सारे सिलेंडर को एक्टिव रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अपने आप उसको डिसंगेज कर देगा। और ये मशीन है, मशीन इंसानों से ज़्यादा समझदार होती है और वो अपना काम, उसको पता है कहाँ करना है। और मुझे लगता है अगर आदमी के अंदर भी थोड़ी सी मशीन वाले सीख आ जाए तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। तो इसलिए सीख का यहाँ पर ज्ञान दे दिया, जिससे आप जब गाड़ी चलाएं तो लिमिट में रहें, क्योंकि कानून पालन करने के लिए बनाए गए हैं। और अगर आप 1.5 लीटर वाले पेट्रोल इंजन से इतना कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंस पा सकते हैं तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कोडा का ये रिफाइनमेंट किस लेवल का है। इसका जो DSG गियरबॉक्स है बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, आप जब कॉर्नर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी को मज़ा आता है, और जब आप कहीं ओवरटेक कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी ये गाड़ी बोलती है भैया जाओ, टेंशन मत लो, आप आगे निकल जाओगे, मैं आपको भरोसा देती हूँ। अगर एक गाड़ी आपको ये भरोसा दे तो उस गर्लफ्रेंड को भी आप भूल सकते हैं जिसने बहुत सारे वादे किए लेकिन मौका मिलते ही दूसरे के साथ भाग गए। तो बुरा मत मानिए, कुछ चीज़ें बोलनी ज़रूरी होती जिसे मैं आपको समझा सकूं। और ये स्कोडा कैरोक वास्तव में बहुत ही मज़ेदार है। माइलेज का भी जिक्र करते चलें तो जो कंपनी दावा करती है लगभग 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज का वो क्लेम करती है, लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूँ अगर आप अपने लिमिट में रहोगे, इस गाड़ी को गाड़ी की तरह चलाओगे तो आप ज़्यादा माइलेज हासिल कर सकते हो। मुझे कितना अच्छा लगता अगर मैं दिखा पाता आपको कि इसकी टॉप स्पीड क्या हो रही है, लेकिन सॉरी यार नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं पुलिस वालों को दे सकूँ, और लाइसेंस तो ऊपर से कैंसिल कर देते हैं, तो मैं ये नहीं करने वाला हूँ। लेकिन सिटी ड्राइविंग मैं बता सकता हूँ कि कैसे करती है। सिटी ड्राइविंग में बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपके पैर नहीं थकेंगे और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर चाहोगे आप ये गाड़ी लेके चले जाओगे। केबिन की रिफाइनमेंट की बात करें तो ये बहुत ही रिफाइंड है और बाहर की आवाज़ अंदर नहीं जाती है, अंदर की आवाज़ बाहर कितनी जाती है तब पता चलता है जब आप इंजन को एक्सप्लोर कर रहे होते, यानी कि एक्सेलेरेटर को एक्सप्लोर करोगे तो अंदर की आवाज़ बाहर दूसरे को सुनाई दे के बताएगी कोई धमाकेदार कार जा रही है, हट जाओ। और इस बजट में इस प्रीमियम का अगर आपको मज़ा मिलता है तो आप बहुत कुछ बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, मैं एक बंदे ने, मेरे दोस्त ने गाड़ी खरीदी तो उसने बोला कि एक गाड़ी खरीदने जा रहा था, मैं उस कार कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मैंने उसे बोला कि ये प्रीमियम गरीबी है जिसे आप खरीदने जा रहे हो, तो अच्छा है उससे कि आप एक बेहतर कार लो। जरूरी थोड़ी है कि आपको दिखाना है, दिखाव में ना पड़ेंगे तो ये गाड़ी आपको वो सब काम करके दे जाएगी जिसकी ज़रूरत है आपको, यानी कि पूरी लग्जरी आपको इस कार में मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ड्राइविंग स्टाइल और ये शब्द पसंद आए होंगे ना, तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार बोल रहा हूँ लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हो और अब आपको मुझे झेलना ही है। तो दोस्तों अब मैं विदा लेता हूँ ड्राइविंग साइड से फिलहाल, इतना ही। हाँ, चलते चलते बता दूँ ब्रेकिंग बहुत मज़ेदार है और जो छोटे मोटे गड्ढे आते हैं ना जहाँ पे ऑफ रोडिंग की आप बात करते हो, वैसी कोई सड़क आती है तो वहाँ पर भी ये पार कर जाती है गाड़ी बिना आपको सताए हुए। तो अगर इतना कुछ मिल जाता है गाड़ी से और क्या चाहिए। तो दोस्तों अब मैं उस पॉइंट पर आ गया हूँ जहाँ पर मैं आपको टाटा बाय बाय करूँगा, और इसके पहले वर्डिक्ट दे जाता हूँ कि आपको ये गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए। तो अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन 30 लाख के आसपास जा रहे हैं और आपको लगता है कि आप एंट्री करने वाले हैं जहाँ पर आप BMW, Mercedes, Jaguar जैसी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, तो आप कैरोक ही लीजिएगा। उन गाड़ियों को मत लीजिएगा क्योंकि कैरोक में जो लग्जरी आपको मिलती है ना वो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके मिलेगी, मतलब 15-20 लाख रुपये और चुकाना पड़ेगा। तो ये वर्डिक्ट बहुत ही सिंपल सा है,
2500 ही गाड़ियां बिकने वाली, एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं। तो अगर आप लकी हैं तो आपको कैरोक मिल जाएगी और ये कैरोक आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है। आप चाहे चलाने की बात करें, बैठकर चलने की बात करें, या फिर फीचर्स के इंजॉयमेंट की बात करें, तो सब कुछ आपको इस कैरोक में मिलता है। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया होगा। कुछ और जानना चाहते हैं, मुझसे कुछ रह गया हो, पूछना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर सीधे चले जाइए, मैं आप सभी का स्वागत करूंगा वहां पर और सारे सवालों का जवाब दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा।